हरडा में रहट गांव के ग्राम धनपाड़ा में गौशाला के आजीवन सदस्य बनने एवं गौ माता की सेवा के विकास कार्यों की योजना बनाने के उद्देश्य से गौशाला में आयोजित मीटिंग में गांव-गांव से लोग एकत्रित हुए। इस क्षेत्र में कामधेनु गौशाला धनपाड़ा काफी बड़ी गौशाला है, जिसमें लगभग 250 गाय बछड़े सभी है। यहाँ इनकी देखभाल की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। गायों को खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा है, पानी के लिए ट्यूबवेल लगा हुआ है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। गायों को बारिश से बचने के लिए पक्के सेट बनाए गए हैं। गोबर खाद फेंकने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था है और समय समय पर गायों की जाँच कराई जाती है। माननीय महाराज जी श्री नागर जी के महाराज जी द्वारा 1999 में आधारशिला यहाँ पे रखी रही, सभी कार्यकर्ताओं से जुड़े। इससे प्रेरणा सोडलपुर से पहले खतम से प्रारंभ हुई थी, तो यहाँ के उन्होंने नींव रखी, इसके बाद आगे बढ़ती गई जो आज तक क्रियाशील है और तरक्की कर रही है। अच्छा, शासन के द्वारा अभी कोई सहायता यहाँ मिलती है क्या? हाँ, शासन के द्वारा ईयरली साल में मिलता है फंड, वो हम गौ माता के उसमें ही लगाते हैं, उनको देते हैं। कई दिनों से सभी गौ भक्तों की इच्छा थी कि मीटिंग नहीं हुई है, उसको मीटिंग की जाए और गौशाला में जो संचालन कार्य हो रहा है उस संचालन को और अच्छे रूप से करें, उसके लिए आज की बैठक रखी गई और गांव-गांव से सभी गोभक्त किसान भाई आए और उन्होंने अपने सुझाव दिए। और कई वर्षों से सदस्यता नहीं हो रही थी प्रतिवर्षानुसार, इस वर्ष नया प्रस्ताव पास किया है कि प्रत्येक सदस्य 1000 रुपये देकर आजीवन सदस्य बनेगा, उसके लिए समिति का गठन भी किया गया।